हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। अगर आज के दिन की बात करें तो फिलहाल छोटी मोटी गिरावट के साथ हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल की डेट में हमको एक जंप देखने के लिए मिला था और इसका जो रेजिस्टेंस था 20 रुपये का लेवल, उसको भी ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आया था 20 रुपये के लेवल को। अब स्टॉक जहाँ ट्रेड हो रहा है ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये 20 रुपये का लेवल ये जो है पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब 20 रुपये का लेवल जो है एक सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। यहाँ से हमको और अपसाइड देखने के लिए मिल सकते हैं। इससे पहले भी जब 20 के लेवल को ब्रेकआउट किया था तो हमको 23 तक का जम देखने के लिए मिला था और स्टॉक ने फिर 17.50 रुपये के लेवल से बाउंस बैक किया है और वहाँ से बाउंस बैक करके 20 के लेवल को ब्रेकआउट दिया है। पोजीशन बनाई हुई तो जब तक ये इसका लो 17.50 रुपये का लेवल नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक इसमें अपसाइड के चांस बने हुए, इसमें हमको बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अगर स्टॉक 20 रुपये के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हमको यहाँ एक बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है एक दो दिनों में। हमारा अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 22.40 रुपये का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में हमको 24 तक के भी टारगेट हमको यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। पोजीशन बनाए हुए तो 17.50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है।